Read on the next problem. Arrange the following particles. Arrange the following particles in the increasing order. In the increasing order of their E by M ratio. Of their E by M ratio. क्वेश्चन का पहला पार्ट है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. सर जिस ऑर्डर में लिखा है वही उसका आंसर है. नहीं आप इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए. अच्छा इंक्रीजिंग ओके. हाँ लिखा है क्वेश्चन में इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. और ध्यान रहे यहाँ पे देखिए आप मास आप और चार्ज चार्ज बाई मास आप एब्सोल्यूट भी रख सकते हैं और आप यहाँ पे सर रिलेटिव भी रख सकते हैं. तो कोई भी रखेगा आंसर सेम आएगा बट एब्सोल्यूट रखेंगे वैल्यूज बहुत लार्ज लार्ज वैल्यूज है ना. तो आप एक काम करिए ई वाई एम में वैल्यूज कौन से रखना है चार्ज और मास के तो रिलेटिव वाला रखिए. तो बहुत इजी फ्रैक्शंस आते हैं. सर तो अल्फा पार्टिकल फिर न्यूट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन. सबसे पहले क्या आएगा लोएस्ट ई वाई एम. सर लोएस्ट ई वाई एम आएगा अल्फा का अल्फा पार्टिकल का. नहीं सर सर न्यूट्रॉन का लोएस्ट है क्योंकि वो जीरो है. हाँ भाई न्यूट्रॉन का जीरो होता है ना ई वाई एम निकाला आप लोगों ने. तो लोवेस्ट किसका है ई वाई एम. पहले सबका निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का ई वाई एम क्या होगा. तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का ई वाई एम निकालता हूँ ना. इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वन और मास क्या था 1/1835 ऊपर चला जाएगा. ये आ गया इलेक्ट्रॉन का. प्रोटॉन का निकालता हूँ चार्ज वन मास वन. न्यूट्रॉन का क्या होता है जीरो. अल्फा पार्टिकल चार्ज दो होते प्रोटॉन टू मास टू. देखो इलेक्ट्रॉन का ई वाई एम प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा हाफ ऑर्डर क्या हो गया न्यूट्रॉन देन अल्फा देन प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन. पहला क्वेश्चन मैंने कर दिया आप लोग के लिए. देख लीजिए क्लियर है. अल्फा पार्टिकल क्या होता था 2.4 दो प्रोटॉन होता है इसमें और दो न्यूट्रॉन होता है. तो टोटल मास 4 और 2 पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन. राइट सेकंड क्वेश्चन है थर्ड है एटॉमिक मास आपका पता ही होगा आपको है ना ऑलमोस्ट. ट्राई करिए बहुत इजी है. सर
सर ये ई बाय एम में ऊपर मास और नीचे चार्ज होता है ना? नीचे मास और ऊपर चार्ज होता है। आप क्या मतलब उल्टा बैठ के पढ़ते हैं क्या है? कैसी बात कर रहे हैं आप? ई बाय एम, एम फॉर मास, ई फॉर चार्ज। ओके सर, ओके सर, वो मैंने पहले इसमें वैसे लिख, नहीं सर वो मास पहले क्या लिखा है ना, मास नीचे। यस सर, यस। तो सबसे पहले जो ई बाई एम पहले बताइए, इसका ई बाई एम क्या आ जाएगा? चार्ज कितना है इसको? प्लस वन, वन। मास क्या होता है लिथियम का? सेवन। यस सर, वन बाई सेवन। चार्ज तो वन ही है ना उसपे, इससे भी चार्ज कितना है? वन। सोडियम का मास 23, 23, वन 39, 40. और इन पर भी चार्ज वन है, प्लस माइनस मतलब नहीं, चार्ज वन है। वन है इनका मास 19, 19, 35.5, 35.5। तो बहुत आसानी से अरेंज कर लेंगे, है ना? तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था, सबसे छोटा कौन है? 1/39, ठीक है। तो के प्लस, फिर सी एल माइनस, फिर एन ए प्लस, फिर एफ माइनस, और सबसे ज्यादा लिथियम। डिनोमिनेटर जितना ज्यादा छोटा होगा ई बाय एम उतना ज्यादा होगा। वेरी सिंपल। लास्ट केस प्रणव, तुम बताओ। प्रणव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं या फिर आप ज्वाइन करके कहीं और घूम रहे हैं गार्डन में? कहीं म्यूट रहते हुए तो नहीं बोल रहे हैं? अच्छा, प्रणव के साथ लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। अच्छा, सर। हाँ
सर थोड़ा डाउट है कैसे के पहले वाला। बोलो नहीं समझा उतना अच्छे से। कौन सा सर? उतना अच्छे से समझा नहीं कैसे किया करके ये पहले वाला एल आई एन ए वाला जो है ना, मतलब उसका हाँ 1/7 कैसा है 1/23 वो समझा नहीं सर। एल आई का चार्ज कितना है? प्लस वन लिखे, प्लस दिया था ना मैंने, मतलब प्लस मतलब क्या होगा? प्लस वन वन yes, नहीं लिखते हैं, अगर अगर प्लस वन चार्ज है तो वन नहीं लिखते हैं, तो प्लस भी लिख दिया मतलब प्लस वन माना जाएगा। तो एल आई पे चार्ज कितना था? प्लस वन, मतलब उस पर चार्ज कितना हो गया? वन। यस सर। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? लिथियम का एटॉमिक मास 7 होता है। यही नहीं आता तो क्या आपको समझेगा? तो उसका चार्ज बाय मास, मास कौन सा? एटॉमिक मास। यस सर। सोडियम का चार्ज कितना है? 1। एटॉमिक मास क्या होगा? 23। यस सर ठीक वही किया। ठीक है तो अथर्व कोटेकर आप बताइए, थर्ड वाला। यस सर। हाँ ई बाय एम बताइए सभी के। सोडियम का 1/11 है। 1/11 तो सोडियम का मास कितना होता है? 11 होता है। नहीं सर 1/22 आएगा सर, ऊपर ही 22 नहीं 23 इधर लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा कि आप लोग को सोडियम का लिखा हुआ दिख नहीं रहा है? 1/23 ऊपर लिखा हुआ चीज गलत बता रहे हैं। सोडियम का क्या हो जाएगा? E by M 1/23। मैग्नीशियम बताइए चार्ज कितना है उस पर? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं अथर्व बताने दो। अथर्व Mg+2 का ई बाई एम क्या होगा? सर एक मिनट। एटॉमिक मास ढूंढ रहे लग रहा है, ढूंढ लीजिए, याद नहीं तो करेंगे। सर सर मैं रुक जाइए यार। ओके सर। सर 24। Mg+2 का चार्ज क्या है? 2/24। अब इससे मुझे मालूम चल गया कि आप लोग का एटॉमिक मास नहीं आते बिल्कुल। तो मैं बता देता हूँ, वैसे जनरली एटॉमिक नंबर 30 तक, ZN तक, एटॉमिक नंबर 30 तक सभी को एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। राइट सर। एटॉमिक नंबर 40 तक याद होना चाहिए अभी के लिए। एटॉमिक नंबर वैसे तो आपको पी ब्लॉक, एच ब्लॉक, डी ब्लॉक पूरा पीरियोडिक टेबल है सिलेबस में, तो धीरे धीरे आपको एटॉमिक नंबर ऑलमोस्ट पूरा याद करना पड़ता है, कौन से एलिमेंट कहाँ है। एटॉमिक नंबर फाइनली 2 साल के बाद क्या होना चाहिए? एटॉमिक नंबर पूरा याद होना चाहिए, बट फिलहाल के लिए एटॉमिक नंबर 40 तक, एटॉमिक मास 30 तक के एलिमेंट का मास भी याद होना चाहिए। ठीक है। हाँ सर। एल्यूमिनियम का चार्ज 3 कितना उसका चार्ज है? 3 सर। मास 27। हाँ जी। सल्फाइड पर चार्ज कितना है? 2 सर। मास और मास 16 है। अच्छा 32 है, सॉरी सॉरी सॉरी, एटॉमिक नंबर 16 है। इसमें ऑर्डर क्या बनेगा? आदित्य पाटिल रुक जाइए। आदित्य पाटिल मैं उसका सर एक्चुअली मैं उसका रिड्यूस फॉर्म बोल दिया था सल्फर वाले ने। हाँ वो फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दिया था मैंने सर। नहीं तुमने 2/16 बोला था ना? हाँ मतलब भाई 2 चार्ज बोल दिया पहले और उसके बाद जो मैं रिड्यूस वाला बोला वो बोल दिया था गलती से। ठीक है। आदित्य पाटिल। यस सर। हाँ तो बताइए ऑर्डर क्या होगा? ई वाई एम का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ये वैल्यूज देखते हुए। इंक्रीजिंग समझते है ना, छोटा बड़ा, बड़ा बाद में, छोटे से बड़े। हाँ बताइए क्या होगा? सबसे छोटा वैल्यू कौन है सर?
Mg का होगा ना सबसे छोटा वैल्यू, नहीं 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 सॉरी सर, एल्यूमिनियम मतलब सर ले आए नहीं मेरे को ना, सबको मौका मिलना चाहिए ना, सबको अपना टैलेंट शो करने का मौका मिलना चाहिए। राइट, जो कहेंगे ना सर आपने मेरे से पूछी थी तो मैं पूरा बता दिया होता। हाँ सर, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सबसे छोटा ही भाई है ना। अच्छा एल्यूमिनियम में 3/27 क्या आ जाएगा, पहले तो उसको एक पर्टिकुलर 1/9 सर, 1/9 ये क्या हो जाएगा 1/12 पर सर आखिरी वाला 1/16 ये हो जाएगा 1/12 ये हो गया 1/23 आखिरी वाला। आदित्य तुम बोल रहे हो कि सबसे छोटा एल्युमिनियम है, अच्छा सर आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा ना। हाँ हाँ इंक्रीजिंग पूछा था, छोटे से बड़ा सर, ये क्लास 1-2 में रहता है। हाँ तो सर वो एल्यूमिनियम से स्टार्ट होगा ना, क्या मतलब कैसे टेंशन पास किए भाई तुम, यानी पास हो गए फेल हो जाओगे हैं? इंक्रीजिंग पूछ रहा हूँ तो छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, तुम फिर भी बोल रहे हो कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम तो सबसे बड़ा 1/9 डिनोमिनेटर सबसे छोटा उसका, तो वो तो आपका नंबर सबसे बड़ा होगा। सॉरी 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 सर, पहले ये भी मेरे को भी यहाँ पे अभी आप लोगों को करना पड़ेगा, सबसे छोटा कौन है 1/23 सबसे पहले कौन आएगा एन ए प्लस, उसके बाद ये कौन सा सल्फर, सल्फाइड बोलते हैं इसको, S-2 सल्फाइड, उसके बाद मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम एंड देन एल्यूमिनियम। ये ऑर्डर होगा EYM का, देखिए सर मेरे को डाउट था, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। ठीक है ठीक है, हाँ बोलिए क्या डाउट था आपको। सर मेरे को एक डाउट था, मतलब इसके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर एक जैसे हम कोई भी एलिमेंट के ऊपर इसमें जैसे सल्फाइड में -2 लिखा है S-2, कुछ कुछ ऐसा रहता है सर कि 2- रहता है, तो उन दोनों में फर्क रहता है क्या सर? नहीं 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 कोई फर्क नहीं रहता है। हाँ, मतलब कई बार क्या कर देता हूँ Mg2+ लिख देता हूँ, कई बार Mg+ लिख देता हूँ, नहीं नहीं कोई फर्क नहीं रहता, देखने का तरीका है बस। ओके सर, देख लीजिए भाई समझा सभी को है ना, चार्ज मास का रेशियो लिख लीजिए और देख लीजिए सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा कौन है, ऑर्डर में लिख लीजिए खत्म है ना। ठीक है चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन मैंने बोला था कि मैं ये प्रूफ कराऊंगा कि इलेक्ट्रॉन का मास 0.00054 यू कैसे आता है, याद बोला था मैं 1.186 कैसे आता है, किस तरह से हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलिए या फिर 1/12 मास ऑफ C12 बोलिए, एक ही बात है। तो ये सब सीखने के लिए अपने को एक बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है और कैसे निकालते हैं, किस रिस्पेक्ट में निकालते हैं, कौन कौन बताएगा? जैसे हम लोग एटॉमिक हाँ बताओ सर, एटॉमिक मास एक एटम, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के एक स्पेसिफिक एटम का मास होता है
और वो मास हम न्यूक्लियस के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के निकालते, उन दोनों की वैल्यूज एड अप कर देते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। गलत नहीं सर ये जो तुम बता रहे हो, जैसे मास, जैसे मास नंबर एक्चुअली। ओके सर। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। एटॉमिक मास फ्रैक्शन में भी आ जाता है बट मास नंबर कभी फ्रैक्शन नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज अ सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और वो कभी कैसे फ्रैक्शन में रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। नहीं, क्लोरीन का मास 35.5 है एटॉमिक मास, बट क्लोरीन का मास नंबर कभी 35.5 आएगा क्या? आधा प्रोटॉन होगा क्या कभी? नहीं। एटॉमिक मास और मास नंबर में फर्क है। मैंने तुमसे पूछा है, तुम लोगों से, एटॉमिक मास क्या होता है, और जो सवाल पूछ रहा हूँ ये क्लास 9th में। नहीं पता, ठीक है चलिए एटॉमिक मास बताता हूँ पहले। सर सर एटॉमिक मास एक एलिमेंट के एटम्स का एवरेज वेट होता है, मतलब जो एवरेज मास निकलेगा वो एटम का एवरेज जो मास निकलेगा, ठीक है, बट तुम जिस मास का एवरेज ले रहे हो वो मास कैसे आएगा? मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का मास ऐड करके उसके अंदर जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऐड करते हैं। अभी तक तुम क्या सो रहे थे? उसने तो फिर यही बताया था हमें ने कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऐड कर देंगे तो क्या आ जाता है, एटॉमिक मास। नहीं, वो मास नंबर आता है, सुना होगा ना, एटॉमिक मास और मास नंबर दो दो वर्ड ऐसे है। एटॉमिक नंबर सुना होगा, एटॉमिक नंबर मास नंबर वो एक नंबर है, उसका यूनिट वेट में नहीं आता, दैट इज ए नंबर। मैं पूछ रहा हूँ एटॉमिक मास, इसीलिए मैं जैसे जो एक हर साल की बात करूँ मैं तो जो एक क्लास जब स्टार्ट होती है, इस साल भी किया हमने, जो पहला बैच 11th के स्टार्ट हुआ था वो मैंने उसमें अराउंड 15 डेज 8, 9, 10th के कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ाए, सेलेक्टेड चैप्टर जो अपने वो 11th, 12th में हेल्प करेगा, ठीक है। बट क्योंकि आप लोग ऑलरेडी लेट हो इतना तो फिर से नहीं पढ़ा सकता वो, मतलब फिर जून निकलेगा जुलाई में तो काफ़ी लेट हो जाएंगे हम लोग, तो जो जो कंसेप्ट जहाँ यूज होगा वो मैं आपको टीच करूँगा, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, तो लिखिए हेडिंग दे दीजिए एटॉमिक मास। हाँ जी सर लिखे एटॉमिक मास क्या आता है। एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास of an atom atomic mass represent mass of an atom of an element mass of an atom of an element with respect to the एक्सक्यूज मी सर। हाँ तुम अभी ज्वाइन किए हो ना? नहीं सर अभी तक ज्वाइन था। हाँ। सर वो मतलब प्रॉब्लम आ गया था तो पूरा लीव करना पड़ा था तो इसलिए। हाँ। अपने एटॉमिक मास देख पा रहा हूँ। हाँ सर तो एटॉमिक मास अपने कुछ बताया क्या? हाँ हाँ लिखो एटॉमिक मास ऑफ एन एटम of an element is the mass, क्या लिखा है था मैंने बोलना हमें बोलना क्या लिखा था मैंने? हाँ सर atomic mass represents the mass of an atom of an element with respect to the इधर तक ठीक है।
तो रिप्रेजेंट द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12. मास ऑफ एन एटम ऑफ C12. सर ये जो C12 एटम है इसको बहुत मतलब ऐसा ये दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है केमिस्ट्री में, ऐसा क्यों? मतलब हर ज्यादा कोई मतलब हर दर्जा दिया जाता है इसको कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको समझना इम्पोर्टेंट इसलिए है, हाँ बता रहा हूँ मैं. पहले एक्चुअली एटॉमिक मास हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालते थे, ठीक है? हाँ जी सर. फिर उसके बाद ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में निकाला गया, फिर फाइनली कार्बन के रेस्पेक्ट निकाला गया C12 के. तो भी C12 हर जगह पाया जाता है भाई. ओके सर. आप में हमें सब जगह कार्बन मिलना ही मिलना है. और दूसरा रीजन ये है कि कार्बन का जो मास है वो एक इंटीजर नंबर है. राइट सर. ठीक है, तो 12 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा. हाँ जी सर. ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में जिस भी एटम का जो मास आएगा जितने टाइम्स, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास. तो फॉर्मल लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूँ मैं. इसका मतलब एटॉमिक मास जो हो जाएगा, एटॉमिक मास वो हो जाएगा मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट. ये मैं आपको क्लास 9 सेकंड से बता रहा हूं. देखिए एटॉमिक मास का फॉर्मूला बन गया, किसी भी एटम किसी भी एलिमेंट का किसी एक एटम का मास विद रेस्पेक्ट टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12. अब इसका मतलब क्या हुआ समझिए. मान लीजिए मैं मार्केट गया, बोला भाई कि 1 किलो कांदा दे दो भाई. 1 किलो कांदा देने के लिए क्या करेगा वो? एक तरफ आयरन का वेट रख देगा, लोहे का वेट, और दूसरी तरफ कांदा भर देगा, यही करेगा. तो आप कांदा लेके चले 1 किलो. अब आप मार्केट गए, मान लीजिए केमिकल लैब में गए, कहीं केमिस्ट्री के लैब में, वहाँ के बोले भैया 10 एटम दे दो तौल के, 10 एटम तौल के दे दो. तौल पाएंगे क्या? नहीं सर. क्यों नहीं तौल पाएंगे भाई? आपके पास वही बैलेंस है. हाँ, क्योंकि सर वो बहुत ही छोटा है. तो क्या हो गया? मैंने मान लो मैंने 10 एटम दिया तुमको, 10 एटम दिया, वो जो इस टाइप का वेइंग बैलेंस आता है. हाँ राइट सर, आपने जब बोला कि आपको 10 एटम्स चाहिए तो उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो उसे कंपेयर कर सके, जो 10 एटम को तोल नहीं सकता है किसी चीज से. मतलब कांदे के टाइम पे उसके पास वो आयरन वेट था, तो इस टाइम पे उसके पास कुछ ऐसा नहीं है जिससे वो 10 एटम तोल सके. आप सही गए हो. ये ऐसा वेइंग बैलेंस आता है पुराना वाला, है ना? यहाँ एक थ्रेड लगा रहता है, ऐसे पकड़ लेते हैं. ये कांटा रहता है, देखा होगा ना मार्केट में, है ना? हाँ सर. ये अपना कौन सा वेइंग बैलेंस है? तो ऐसा मैकेनिकल वेइंग बैलेंस है. अब इधर भाई आपको 1 kg कांदा चाहिए था, तो आपने 1 kg का आयरन वेट रख दिया, और इधर मैंने ओनियंस रख दिया, तो हो गया, वेट कर लिया. ये जब जैसे कांटा बीच में आ जाएगा बिल्कुल, मतलब इक्वल वेट हो गया, आपको दे देगा. अब कोई बोल दे भाई कि ओनियंस नहीं, 10 एटम रख दिया मैंने यहाँ पे, बताओ वजन क्या होगा? 10 एटम मान लो सोडियम के रख दिया मैंने, बताओ वजन क्या होगा? अब सोडियम के 10 एटम, सिर्फ 10 एटम वेट करने के लिए आप इधर क्या रखेंगे? 1 ग्राम आयरन, 2 ग्राम आयरन क्या रखेंगे भाई? कुछ तो रेफरेंस, बेसिकली 1 kg आयरन क्या है? रेफरेंस वेट है ना, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ओनियन मेजर किए थे, वेट किए थे, करेक्ट है? राइट सर. अब 10 एटम रख दिया, 10 एटम वेट बहुत कम होता है, बहुत ही कम, तो रेफरेंस वेट क्या यूज करें? कुछ तो रखना पड़ेगा तराजू में ना, दूसरे साइड, सही है? तो क्या बोला गया कि अब जो रेफरेंस वेट, अगर एटम वेट करना है
तो एटम के ही साइज के कुछ रखना पड़ेगा। इन्होंने क्या बोला, लोहा तो नहीं रख नहीं सकते, यहाँ पे जो वजन रखेंगे वो एक कार्बन एटम का 12वां पार्ट लेंगे अपन। 1/12 मतलब क्या हो गया, उस कार्बन एटम का 12th पार्ट। ये माइनर कार्बन एटम है, इसको उन्होंने क्या किया 12 पार्ट में इक्वली काट दिया। ठीक है, एक ऐसे इक्वल तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मान लो ऐसा 12 इक्वल पार्ट में कट कर दिया मैंने, ये कार्बन एटम है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने इन्होंने क्या किया, इस कार्बन एटम का 12 हिस्से किया और जो एक हिस्सा है उसको निकाल लिया, केक कट करते ना अपन, केक बर्थडे केक कैसे कट करते, कॉर्नर का हिस्सा ऐसे कट करते, एक पर्टिकुलर कोई पार्ट निकल गया, पर्टिकुलर जो पार्ट निकला कैसा होगा, वो ऐसा देखो 1/12 पार्ट जो कट कर आया ऐसा ही होगा, ये क्या है 1/12 ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो 10 सोडियम एटम अगर मेरे को मापना है, इन्होंने जो इधर रेफरेंस वेट रखा वो क्या रखा, तराजू में जो रेफरेंस वेट रखा उन्होंने वो ये रखा हुआ है। सर ये चीज प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, मतलब हम किसी आइटम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बट हाँ हम लोग इसको स्केलेबल कर सकते हैं। जो एक आइटम बात कर रहा हूँ मैं, उसमें एनी टाइम्स कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो मोल आ जाएगा राइट सर, और एक मोल का वेट जो ग्राम में आता है। हाँ जी सर, अपन जब कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो ऐसा होता है क्या कि सीधे इंडस्ट्रियल स्केल पे जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, पहले क्या करते हैं लैब में करते हैं, पहले लैब में करते हैं, 1 kg पे करते हैं, 10 ग्राम पे करते हैं, 5 kg पे करते हैं। नहीं तो जो 1 kg रिजल्ट आएगा उसको वही उसी रिजल्ट को वो क्या करते हैं रेप्लिकेट करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे, करेक्ट राइट सर। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा किया है, पहले लार्ज स्केल पे कर लिया 10 ग्राम 20 ग्राम और उसी क्या किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चले गए लेकर। ओके, रेशियो तो नहीं चेंज होगा ना? नहीं सर। ठीक है, तो ये देखिए ये रेफरेंस वेट है। अब एटम को मेजर करने के लिए यहाँ भी कोई भी एटम रखिए, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम, रेफरेंस वेट यही रहेगा, दिस इज आवर रेफरेंस वेट। रेफरेंस मास और इसी रेफरेंस मास को जो है क्या बोला जाता है, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, मतलब इसको 1 यूनिट मान लिया गया। जैसे मान लीजिए वजन जब करते हैं अपन मार्केट में, सोना चांदी खरीदने गए तो मिनिमम यूनिट जो एक मान सकते क्या मानते हैं, 1 ग्राम, लेकिन उससे भी छोटा होता है, बट मान लेते हैं 1 ग्राम मिनिमम यूनिट, 1 ग्राम, ठीक है, मतलब 1 ग्राम का जो लोहा होगा उसको अपन मिनिमम मान लेते हैं, भाई ये 1 इससे कम नहीं हो सकता, हालांकि एक्चुअल 1 ग्राम से कम पॉसिबल, बट यहाँ पे बताओ पॉसिबल है क्या, कार्बन के वेट को 12 से डिवाइड कर दिया, तो कार्बन का वेट क्या होता है 12 बाई 12 क्या आएगा 1, राइट है, तो मतलब इसको 1 AMU माना गया, 1 AMU मतलब 1 यूनिट। अब अगर मान लो मैंने सोडियम का एटम रखे 10 या जो भी सोडियम का एटम रखा, मुझे नहीं मालूम 10 है कि 20 है, काउंट तो कर नहीं सकते, आपने एटम्स ऑफ सोडियम रखा, अब ये रेशियो आया मान लीजिए ये रखने से, ये जब कैलकुलेट किया, देखो एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट,
सोडियम का मान लीजिए कुछ एटम लिया था मैंने, और नीचे क्या लिखी मैंने लिया, एमयू लिया, वन यानी मान लो ये रेशियो आ गया टू, इसका मतलब क्या हुआ, इसको कैलकुलेट किया तो ये रेशियो टू आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, जिस एटम की बात कर रहे हैं उस एटम का मास वन एमयू से क्या है, दोगुना है, टू एमयू, ऐसे करेंगे ना भाई, आप सोचिए, एक एक किलो वजन रखा था आपने इधर लोहे का, और इधर ओनियन रखा, इतना रखा, इतना रखा कि जो रेशियो आ रहा है इसका भाई इसका वो टू आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ओनियन का वजन वन केजी का डबल है, मतलब टू केजी, ऐसे बोलूंगा ना, देख लो, ऐसा सच में, क्योंकि ऐसा सच में कोई वेरिंग बैलेंस नहीं है कि मैं इसे बैठ के एटम तोलूंगा, ये कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल के, रेशियो टू आया मतलब इसका मास दोगुना रहा होगा, थ्री आया इसका मास तीन गुना रहेगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे सोचिए क्या ये रेशियो इंटीजर ही आएगा, इसकी कोई गारंटी है क्या इंटीजर आना, एक किलो का वेट रखूंगा तो डेढ़ किलो प्याज नहीं तोल सकता क्या मैं, तोल सकते हैं ना भाई, हाँ किलो का वेट रख के डेढ़ किलो प्याज नहीं तोल सकते, मतलब रेशियो अगर 1.5 आ जाए तो बोल दूंगा डेढ़ गुना है, डेढ़ केजी प्याज है, ठीक है। तो ये जो कार्बन के एक एटम का जो 12वां भाग निकाला, देखो सच में करना पॉसिबल नहीं, कि 12वां भाग निकाला मतलब उसके वेट को करें डिवाइड, उसको मान लिया रेफरेंस वेट, और रेफरेंस मास के बोलते हैं वन रेफरेंस मास यूनिट। पर कुछ हाँ बोलिए, सुन नहीं पाए आप क्या बोल रहे थे, ये बोल रहा हूँ कि रेफरेंस वेट मान लिया गया इसको, और इसको फिक्स कर दिया गया है, ध्यान रहे एटम्स को वेट करने के लिए ये वाला साइड फिक्स हो गया, अब जो एटम रखना उधर अपना, जो भी एटम रखना है जिस भी एटम का वजन करना है इधर रखे करते जाइए, वजन, हाँ जी सर, वजन करना मतलब रेशियो निकालते जाइए, राइट सर, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, मतलब पहले लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए और अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, अगर आपने नाइन्थ में आप करिए, आप याद करिए नाइन्थ में आपने ये वाला पढ़ा हो, उसमें वाटरमेलन लिया था, वाटरमेलन को कट करके, याद आ रहा है, याद है नाइन्थ में वाटरमेलन को कट करके रखा था, उसमें तराजू में रखा था, था ना, हाँ सर, हाँ सर, नाइन्थ का बुक नहीं मेरे पास, नहीं तो आपको दिखाता मैं, ठीक है। सर मुझे एक डाउट था, हाँ बोली सर, वो एक एलिमेंट के आइसोटोप्स का हम जो एवरेज निकालते हैं मास का, वो क्या रहता है, वो भी एटॉमिक मास रहता है, जैसे क्लोरीन का 35.5 है तो आपका एटॉमिक मास ही है 35. वो क्या है, एक क्लोरीन का 35, एक का 37, ठीक है, ऑन एन एवरेज क्या 35.5 आता है, उसको बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ये मोल कंस्ट्रक्ट में आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। दो टाइप के मास होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक बोलेंगे, और मॉलिक्यूल्स के भी होते हैं, उसको बोलते हैं एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। हाँ सर, तो इसको लिख कर और अपने लैंग्वेज लिख लीजिए, नेक्स्ट इसमें पॉइंट आपको लिखना है एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, पहले ये लिख लीजिए फिर एटॉमिक मास यूनिट लिखा होगा, सर करेंटली जो पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है उसमें कुछ और नए एलिमेंट्स नहीं आए ना, मतलब अब तक हमें कुछ नए एलिमेंट्स नहीं पढ़ने हैं ना, ओके एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, डन सर, एटॉमिक मास यूनिट हेडिंग दीजिए,
लिखे, इट इज अ मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली वन बाई ट्वेल्व द मास ऑफ वन एटम ऑफ सी ट्वेल्व. सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मेरा नेटवर्क बराबर. It is a mass unit equal to exactly 1 by 12 the mass of one atom of C12. वन बाई ट्वेल्व द मास ऑफ वन एटम ऑफ सी ट्वेल्व. सर सी ट्वेल्व भी आइसोटोप है? सी ट्वेल्व वन ऑफ द आइसोटोप है. कार्बन के तीन आइसोटोप होते हैं, 12, 13, 14. सबसे मेजर है वो सी ट्वेल्व है. ठीक है, तो सबसे मेजर है वो C12 है. C14 जो होता है वो आपका रेडियो एक्टिव होता है, उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है. अब तो इस कार्बन का 1/12 कार्बन जो मास ले रहा हूँ उसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा. नहीं मतलब एमयू का तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ना. कार्बन का मास का 1/12 कार्बन का कुछ ना कुछ मास है. कार्बन के मास को 12 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, उसी क्या बोल रहा हूँ 1 AMU. तो आप एक काम करेंगे, आपको क्या करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 kg में कितने ग्राम, तो आप तुरंत आंसर करें 1000 ग्राम. करेक्ट, क्योंकि kg भी वेट का यूनिट है, ग्राम भी वेट का यूनिट है. तो उसी तरीके से AMU भी तो वेट का यूनिट है, मास ही तो निकाल रहे हैं आप मास है. तो अच्छा एक चीज और, अभी IUPAC में क्या किया गया है, AMU वर्ड ना यूज करके यू यूज करते हैं. यू ठीक है, यू इज फॉर यूनिफाइड मास. मतलब इसको यूनिफाइड मतलब लोवेस्ट वैल्यू मानकर 1 मान लिया गया. ठीक है, तो ये भी एक मास का यूनिट है, इसको भी ग्राम में चेंज कर सकते हैं, केजी में चेंज कर सकते हैं. नहीं, ग्राम को जब केजी में चेंज किया जा सकता है तो यू को नहीं चेंज कर सकते हैं आप ग्राम और केजी में. कर सकते हैं, कैसे करेंगे, तो आप एक काम करिए, आप ऐसे सोचिए 1 AMU बेसिकली यही है जो इस फॉर्मूले में डिनोमिनेटर टर्म है रेफरेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 AMU. देखिए डिनोमिनेटर जो टर्म है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं 1 AMU, मतलब जो रेफरेंस वेट है. हाँ सर, क्योंकि वो वही है 1/12 पार्ट ऑफ C12 इसीलिए. ठीक है, तो अब ये रेफरेंस वेट का वैल्यू अगर निकालना है, क्योंकि भाई इसका वैल्यू क्या है बताओ, कैसे करेंगे भाई, तो 1/12 से डिवाइड करना है. किसको डिवाइड करना है, कार्बन के एक एटम के मास को. कार्बन के एटम का मास क्या होगा, तो आप अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, कार्बन के एक एटम का मास कैसे निकालेंगे. किसी भी एटम का मास किसकी वजह से होता है सर, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से. प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, उसको क्या कर देते हैं नेगलिजिबल. तो मतलब मेनली किसकी वजह से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन कार्बन में कितने प्रोटॉन और कितने आपके न्यूट्रॉन, छह प्रोटॉन छह न्यूट्रॉन. हाँ ये होता है ना. हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर. और प्रोटॉन और क्या न्यूट्रॉन का एब्सोल्यूट मास लिखा चुका आप लोगों को मैं लास्ट क्लास लेक्चर्स में. हाँ जी सर. ठीक है, तो क्या करिए, अब एक काम करिए, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 1 AMU इन टर्म्स ऑफ ग्राम.
केजी में आंसर आएगा उसको उसको लास्ट में ग्राम में चेंज कर दीजिएगा। तो एक एटम का मास निकालिए कार्बन के, तो हिंट के तौर पर इतना लिख दे रहा हूँ कि एक एटम का मास किसकी वजह से होगा, तो मास ऑफ व्हाट, सिक्स प्रोटॉन प्लस सिक्स न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन का मास केजी में लिखा दिया आप लोग को, एक न्यूट्रॉन का मास केजी में लिखा दिया आप लोग को, कर दीजिए वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, ये जो मास आएगा उसको किससे डिवाइड करना है, 12 से, जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा 1 एमयू का कन्वर्जन ग्राम में। करिए प्रणव आपकी आवाज, आपने मैसेज किया है आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस समय, हो सकता है आपका माइक तो खराब हो गया हो, ये प्रॉब्लम होता है माइक खराब हो जाता है मालूम नहीं चलता है। तो भाई समझ में आ गया ना क्या करना है, 1 AMU जो है 1U लिखा, 1U जो है वो होता है ये, तो मास ऑफ कार्बन किसकी वजह से, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन का मास क्या था 1.672 × 10⁻²⁷ kg। और सर सॉल्व मास कराइए, हम ट्राई कर रहे हैं सर, करिए करिए, थोड़ा टाइम लगेगा कैलकुलेशन है बट करिए। सर मास रिलेटिव लेके करेंगे तो चलेगा ना, मतलब नहीं समझा क्या बोल रहा है सर, एब्सोल्यूट और रिलेटिव में से जो प्रोटॉन का, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एब्सोल्यूट चाहिए ना भाई, रिलेटिव मास तो ऑलरेडी यू के टर्म में आता है, मतलब इसी के रेस्पेक्ट में निकालते हैं बेसिकली। ओके सर एब्सोल्यूट समझ में गया ना, आप मतलब आपका जो भी आपका ऐसा आपका रिलेटिव मास है वो इसी के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ कि उसी के रेस्पेक्ट में निकालने से पहले बताइए जिसके रेस्पेक्ट में निकालने उसकी क्या वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन लेंदी होगा। ट्राई करिए, सर आ गया, सर आ गया सर, मेरा केजी में आ रहा 1.673 × 10⁻²⁷ kg,
और उसका ग्राम में कन्वर्जन हो रहा 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम. हेलो सर, सर हाँ हाँ मैं आपकी बात सुन रहा था. एक्चुअली मैं एक कॉल पे था, कॉल आ गया था. हाँ क्या वैल्यू आ रहा है सर? ग्राम में आ रहा है 1.67 इंटू 10^-24 ग्राम. करेक्ट है. केजी में -27 आता है. हाँ जी सर. ठीक है तो सर मेरा 1.671 आ रहा है. नहीं 1.667 आता है वो एग्जैक्टली. ये 1.667 इंटू 10^-24 ग्राम सर. एक्चुअली वो क्या हमने वो डिवाइड करते हुए राउंड ऑफ चलेगा इसीलिए होगा. ठीक है तो ये आंसर है. अब ध्यान रखिए जो ये वैल्यू आया ना ये. अच्छा सभी लोग कह रहे हैं कि मैं सॉल्व करूं भाई इसको. करना क्या समझ में आया होगा, प्रोटॉन का वैल्यू लिखाया था, न्यूट्रॉन वैल्यू लिखाया था, पुट करके मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड करना है. क्लास 8 वाला 7 का लेवल सर किया वही. बस यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी थोड़ा रहेगा. तो ये वैल्यू आता है फाइनली 12 से डिवाइड करके. और ये जो वैल्यू है ना इधर वाला, ये बेसिकली जो है ये 1/, अब देखिए यहाँ भी कंप्लीट हो गया है बट इसको और सिंप्लीफाई करो तो ये 1/NA होता है. NA क्या था? What was NA? एक मिनट. Our that was constant sir, 6.022 into 10^-12 वाला. पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ जी सर. Avogadro's number एक मोल कंसेप्ट में आएगा. ये एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है ये. तो देख लो 1/ अगर ये करोगे तो 1/6 आ जाएगा, 1/6. और 10^23 कहाँ चला जाएगा? ऊपर. 1/6 वन से छोटा आएगा तो ये 0.1667 आता है. 0.6 मतलब यही आता है. तो ये याद रखना आसान है. ये भी याद रख सकते हो, ये भी याद रख सकते हो. देखो तो ये दो मास के बीच का कन्वर्जन है. जैसे केजी और ग्राम में होता है ना, है ना, 1000 का फैक्टर आता है केजी और ग्राम में. तो यहाँ पे क्या फैक्टर आ रहा है? एनए का फैक्टर आ रहा है. बहुत लार्ज फैक्टर है बट देख लो. प्रणव तुम्हारा एटॉमिक मास छूट गया. अरे भैया एटॉमिक मास तो पढ़ाते हो, 15 मिनट हो गया. सर अभी आवाज आ रहा है क्या मेरा? हाँ अभी अभी आया, अभी आया. अच्छा. क्या हो गया था अभी उस समय? म्यूट करके बोल रहे थे क्या? एटॉमिक मास मैंने यही बताया हुआ है कि किसी भी एटम का मास विद रेस्पेक्ट टू मास ऑफ कार्बन बाई 12. नहीं जैसे अपन प्याज वज खरीदने जाते हैं तो 1 kg को मान लो ऐसा रेफरेंस वेट है 1 kg का लोहा आयरन वेट. तो जो 1 kg का वेट है वही क्या हो जाता है? रेफरेंस वेट हो जाता है. ठीक है ओके सर. सर वो AMU को U1U कैसे लिया है? वो IPSC ने उसका नाम बदल दिया है, धोखा कर दिया एक्चुअली. ओके सर. उसका नाम बदल दिया है. AMU को अब U लिखते हैं, यूनिफाइड मास बोलते हैं. और मैं आपको बताऊं एक बार, ये CET 2017-18 में MHT CET 2018 में क्वेश्चन आया था कि एटॉमिक मास यूनिट को किस सिंबल से करते डिनोट. उसमें ये दोनों दिया गया था. एक्चुअली लेटेस्ट चेंज हुआ था 2015-16-17 में हुआ है. उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ दिया था 2018 में. आंसर बस यू वाला करना था, टिक बस. ठीक है कई लोगों ने AMU किया होगा क्योंकि वही चला रहा है काफी सालों से. ठीक है तो अब इतना करने के बाद अब आपको करना है, यू हैव टू प्रूव दैट कि आपका रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.00054 आता है. ये प्रूफ करना है. वो प्रूफ करने के लिए इतना समझाना पड़ा मेरे को, समझ लीजिए. तो किसी का भी एटॉमिक मास निकालेंगे या फिर उसका रिलेटिव मास निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करना. तो इलेक्ट्रॉन के निकालने में तो क्या करेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ दिस अपॉन मास ऑफ क्या सर? मास ऑफ ये कार्बन वाला. ये तो फिक्स है ना?
रेफरेंस गैस तो फिक्स है, कार्बन सॉरी किसी एटम में निकालिए, प्रोटॉन के निकालिए, इलेक्ट्रॉन के निकालिए, कुछ भी किसी का भी निकालिए, रेफरेंस वेट डिनोमिनेटर फिक्स रहेगा। तो किसका बोला मैंने भी निकालने को, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का निकालना तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन ये तो आप निकाल चुके हैं, ये निकाला आपने अभी, कर दीजिए डिवाइड आंसर आ जाएगा, करिए। इलेक्ट्रॉन का भी मास अब कौन सा रखें, कुछ लोग बोलेंगे सर एब्सोल्यूट या रिलेटिव, एब्सोल्यूट रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो निकाल ही रहे हैं उसका ऐसा उसका रिलेटिव मास क्या आएगा, तो रिलेटिव मास निकालने के लिए वही रख देंगे, नहीं ना एब्सोल्यूट से रिलेटिव निकालते हैं। इसलिए तो इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास और इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, डिवाइड कर दीजिए आ जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन का मास आ जाएगा, करिए। सर 1.5126 × 10⁻¹⁴ है, अरे बाप रे, नहीं 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 गलत कर गया, अरे भैया ये −24 वैल्यू नीचे है तो −24 ऊपर प्लस हो जाएगा ना, तो −31 और +24, हालांकि −31 ही होगा, उसको भी ग्राम में कर लीजिए। सर मैंने 6.022 को लिया, ठीक है बात वही है कैसे भी करिए, और फिर भी गलत है कुछ तो आपका, और 6.022 तो वो 1/NA था ना, तो डिनोमिनेटर में 1/NA, तो NA ऊपर चला जाएगा ना। यस सर, यस सर, गलती कर गया ना, समझ में आ रहा है, यहाँ पे तुम 1/NA लोगे तो NA ऊपर चला जाएगा ना फिर। यस यस, वहाँ गलती कर गया। देखो ये कितना इंटरेस्टिंग है, और जो पढ़ा रहा हूँ आप सोच के देखिए, ये क्लास 9, हाँ क्लास 9 में इतना डिफरेंस क्या है ये सब वैल्यू। हाँ जी सर, सर मेरी वैल्यू आ रही है 1.911 × 10⁻²⁸ ग्राम्स। नहीं यार गलत कर रहा ना, अरे इलेक्ट्रॉन का टर्म तो लिखा के दिया आप लोगों को 0.00054, मतलब 5.4 × 10⁻⁴। आप वो चीजें गलत बता रहे हो जो ऑलरेडी आपके नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ सर आ गया, आया अथर, हाँ सर गुड, ये देख लीजिए ये प्रूफ कर दिया कि जो आपके रिलेटिव मास निकालते हैं वो बेसिकली एब्सोल्यूट मास के हेल्प से निकालते हैं, ठीक है, बाकी लोग भी निकालिए भाई। सर इसमें ये मास का वैल्यू 0.00054 लिया मैंने, आपने जो है वही तो निकालना है मेरे को यार, ऐसी बात कर रहे हो तुम, वही निकाला और तुम उसी की वैल्यू रख दे रहे हो। पहले वो लेके निकाल रहा था 9.0109,
हाँ उसी से आएगा, 9 पॉइंट वाले से आएगा। सर आपने वो बोला इसलिए फिर मैं निकाल रहा था, वही निकालू ना फिर, वही सही है। 9.109 इंटू 10^-27 केजी है, ग्राम में कर लो तो 27 से कितना 24 आ जाएगा, सॉरी सॉरी 31 होता है ना, तो 31 इंटू 1000 कितना हो जाएगा सर? आ गया आंसर, आ गया तो 31 से 28 आ जाएगा ग्राम में। देखो तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, और इसका मास क्या आ गया है इधर देखो 1.667 10^-24 ये नहीं डिवाइड कर पा रहे हो, फंसे पड़े हो उसमें। इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 24 ऊपर जा क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 28 प्लस 24 क्या आ जाएगा सर? वो फ्रैक्शन वाले का डिवीजन आ रहा है 5.48 पूरा राउंड ऑफ करके। बस ये आंसर हो गया, ये यू में होगा। इसका कोई यूनिट होगा क्या ग्राम अपॉन ग्राम? देख लो ठीक है, रिलेटिव मास का यूनिट नहीं होता, किसी के रेस्पेक्ट में ग्राम ग्राम कैंसिल, इसको नया नाम देगा यू यूनिट। तो इसी को 10^-4 मतलब 4 डेसिमल के बाद लगेगा, तो क्या लिख सकता हूँ 0.00054। फ्रैक्शन में लिखना है तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 1/18। किसी बुक में 355 है, कहीं 37 है, क्यों? क्योंकि ये वैल्यूज क्या राउंड ऑफ है ना, तो 3537 उतना चल जाता है। देखो तो ये देख लो, जिस दिन इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करा था हम लोगों ने ऐसा लिखा था आपका सर रिलेटिव मास लिखा था, तो प्रूफ कर दिया देखो है ना। और ये अगर आप 9th लेवल पे अगर आप पढ़ते तो 9th में बोर्ड के सिलेबस से तो कोई नहीं पढ़ाता इतना। हाँ अगर 9th के लेवल पे अगर आप NTSC वगैरह करते, अगर NTSC की तैयारी करते तो ये सब आपको 9th में ही आता रहता, बट नहीं भी किया तो ऐसा कोई लॉस नहीं होता, आज ही पढ़ लेंगे तो चलेगा। चलिए तो ये एक अपना हो गया, तो ऐसे ही आप सभी के निकाल सकते हैं, प्रोटॉन का निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन का निकाल सकते हैं। नहीं प्रोटॉन क्या है तो 1.00727 याद है प्रोटॉन का? हाँ सर। न्यूट्रॉन का क्या आया था 1.00867, सबका निकाल सकते हैं ठीक है। चलिए सर, सर आपकी प्रेफरेंस में हमने आंसर कितने डेसिमल प्लेसेस तक लिखना चाहिए, मतलब 2-3-4 अप टू 3 जनरली? ओके, बट क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में उसने 2 ही तक लिया है तो अपन भी 2 लेंगे, बट क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो 2 भी सही है 3 भी सही है, 1 नहीं होना चाहिए। ओके सर, अप टू 2 नहीं तो 3, इन्हीं दोनों में से कोई एक रहता है ठीक है। चलिए तो अब भाई ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया फंडामेंटल, अब हम लोग आते हैं मॉडल्स पे ठीक है। तो नहीं वो वाला मॉडल्स पे नहीं, तो मॉडल मतलब क्या होता है सर? एक वर्किंग सेटअप जो कोई चीज प्रूफ करता है या किसी एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट नहीं बोल सकते, किसी एक्सपेरिमेंट को सपोर्ट करता है, रिप्रेजेंटेशन उसका, रिप्रेजेंटेशन करेक्ट। एक्सपेरिमेंट को भी समझे नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मान लो जैसे मार्कर का हुआ डिस्कवरी, अब वो साइंटिस्ट बोला मार्कर अगर है तो मार्कर दिखता कैसा होगा, एक काम करते वो मार्कर का मॉडल बनाते, जैसे कोई आर्किटेक्ट कोई बिल्डिंग बनाना है अगर 9-10 माले की बिल्डिंग है, क्या करता पहले मॉडल बनाता ना छोटा सा, जैसे ऑफिस में ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा, यहाँ पे बालकनी होगा, यहाँ लिफ्ट होगी, नहीं मॉडल बनाता है। तो वो क्या कर रहा है कि जो चीज है मतलब जो चीज अभी बन के तैयार भी नहीं हुआ है, बन के तैयार नहीं हुआ या फिर बन के तैयार है कहीं पे, जो भी हो वो रियल में एग्जिस्ट कर रहा हो या फिर नहीं कर रहा हो, आप उसका क्या बना सकते हैं मॉडल बना सकते हैं टू रिप्रेजेंट दैट करेक्ट। उसी तरीके से एटॉमिक मॉडल, हेडिंग दीजिए एटॉमिक मॉडल, ये वाला सभी समझ आ गया ना भाई ये स्टेप ठीक है। सर एक चीज पूछना था। हाँ पूछिए। वो इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 × 10^-31 लिखा है आपने, अपने यहाँ पे? अरे भैया वो केजी है, ये ग्राम है। ओके सर, तो सर ग्राम में उसको डिवाइडेड बाय 1000 करके
ये देखो केजी से ग्राम में जाते हो, थाउजेंड से डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे? ये भी मैं ही बताऊं, पूरा ठेका मैं ही लेके रखा हूं। खाते करते हो यार केजी से, मतलब ये तो सिक्स सेवेंथ में है, बड़े से छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से बड़े यूनिट जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, मतलब सब मैं ही बताऊं। मतलब आपने मतलब मेरा वेट कर रहे थे क्या क्लास सिक्स सेवन से कि एक दिन मेरे लाइफ में केमिस्ट्री वाले सर आएंगे, उनसे मैं सब पूछूंगा सेवन्थ लेके टेंथ तक, इलेवन ट्वेल्थ से बताएंगे बताएंगे। चलिए एटॉमिक मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स क्या होता है, क्यों पढ़ते, लिखिए पहले। राइट डाउन, एटॉमिक मॉडल्स रिप्रेजेंट एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इन साइड द एटम। फंडामेंटल पार्टिकल इन साइड द एटम, फुल स्टॉप। जैसे बिल्डिंग के अंदर, फ्लैट के अंदर रूम कहाँ होगा, बाथरूम कहाँ होगा, हॉल कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, ना उसके अंदर की चीजों को अपन फिक्स करते हैं ये यहाँ होगा, वैसे एटम के अंदर क्या होता है फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन वगैरह, तो वो कहाँ होते हैं, कैसे है, चल रहे हैं, रुके हुए हैं, घूम रहे हैं, उस सब के बारे में जानकारी देना एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से लेके, फॉलोइंग आर दी एटॉमिक मॉडल्स, फॉलोइंग आर दी एटॉमिक मॉडल्स, पहला है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, सेकंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थर्ड बोर एटॉमिक मॉडल, एक फोर्थ भी अपने को नया आ जाएगा अब। ठीक है, फोर्थ वाला देखिए, ये यही सुना हुआ आपने, ये थोड़ा अलग है श्रोडिंगर मॉडल, और इतना अलग है कि समझता ही नहीं। और आज के डेट में एक चीज और बता दूं मैं, एक कड़वा सत्य, स्टार्टिंग के तीनों मॉडल आपने आप लोगों ने सुना हुआ है, थॉमसन रदरफोर्ड बोर, हाँ सर, स्टार्टिंग के तीनों सुना हुआ है, थोड़ा बहुत पता है, हाँ सर, हाँ सर, और वो तीनों आज के डेट में गलत हो चुका है सर। ठीक है सर, केमिस्ट्री में इतना कंट्रोवर्सी काय को होता है सर? क्योंकि केमिस्ट्री इटसेल्फ नेम में उसकी मिस्ट्री है ना। हाँ सर। करा है, हाँ सर। सर मतलब मतलब डाल्टन ने सर इतना कुछ बताया, उसका हर चीज गलत प्रूफ हो गया, फिर भी हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में। एक्चुअली हम लोग केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं इलेवन ट्वेल्थ में, We are studying a brief history of chemistry. हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे चीजें डेवलप हुई। contradiction. contradiction नहीं है ना, कहाँ contradiction है, ये सब गलत हो गया, ये वाला सही है, आज भी contradict कहाँ हुआ? right, जब कुछ, जब कुछ चीजें आप खुद भी अगर कल को जाके ऐसा जाओगे रिसर्च में जाओगे तो रिसर्च करते करते मालूम चलता है करते भाई ये वाला जो पहले सोचा था अरे ये तो गलत हो गया, कुछ नई चीज मान के उसकी वजह से गलत हो गया, तो कॉन्ट्राडिक्ट कहाँ हुआ? वो तो आप अपने आप को अपडेट कर रहे हो ना, तो जैसे जैसे रिसर्च होते चला गया, अपडेट होते चला गया, और ये मॉडल आया था 1932 के आसपास, और यही लेटेस्ट मॉडल है, 100 साल होने को आ गया अभी। ठीक है, तो पहला जो थॉमसन मॉडल है सभी को पता है, वाटरमेलन वाला, प्लम पुडिंग मॉडल, हाँ सर, है ना, तो थॉमसन मॉडल हेडिंग दे दीजिए और जल्दी से लिख लीजिए और तुरंत खत्म कर लेते हैं। हेडिंग दे दीजिए चारों के बाद, थॉमसन एटॉमिक मॉडल।
वो आपको पता है, वो बहुत बेसिक है, वो उसमें कुछ पढ़ने को नहीं अपने को। जो पढ़ना है सेकंड थर्ड फोर्थ, और जो इसमें सबसे ज्यादा टाइम लगे वो है बोर मॉडल। इतना बोर मॉडल पढ़ते, इतना पढ़ते, इतना पढ़ते, बाद में सोचता है गलत है। बट हालांकि बोर मॉडल गलत नहीं, कहता नहीं कि पूरा ही गलत हो गया, बोर मॉडल ही सबसे ज्यादा यूज होता है आज भी, ठीक है। उससे कुछ चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कुछ ड्रॉबैक्स है, मतलब ड्रॉबैक्स भी कोना गलत है, कुछ लिमिटेशन है बोर मॉडल की, गलत नहीं है बोर मॉडल। तो थॉमसन मॉडल में लिखिए, दिस वॉज द थ्योरेटिकल मॉडल, दिस वॉज द थ्योरेटिकल मॉडल फुल स्टॉप। He defined that atom is spherical. He defined that atom is spherical in which positively charged particles are in which positively charged particles are uniformly distributed, uniformly distributed, and negatively charged particles are, and negatively charged particles are embedded in it. Embedded मतलब अंदर उसमें, जैसे वो तरबूज में उसके सीड्स embedded होते हैं उसके अंदर, embedded in it. Full stop. This model was accepted, इसको accept किया गया, माना गया इसको. This model was accepted because it was obeying, because it was obeying Dalton's atomic theory, because it was obeying Dalton's atomic theory and the ionization of atom. Sir, ये last line वापस repeat करना. हाँ, this model was accepted because it was obeying Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory and the ionization of atom. ये इनका मॉडल डाल्टन की थ्योरी को फॉलो करा, जिससे लोगों ने मान लिया, ठीक है, बहुत बेसिक मॉडल। मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो एक मिनट, वो लास्ट, नहीं वो लास्ट लाइन में पूछ रहा था तभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, दिस मॉडल वाज एक्सेप्टेड because it was obeying Dalton's atomic theory and the ionization of atom. इस मॉडल को इसलिए एक्सेप्ट किया गया क्योंकि ये डाल्टन की थ्योरी फॉलो कर रहा है और आयनाइजेशन ऑफ एटम को, मतलब चार्जेस होते हैं उसमें। हाँ बोलिए सर। किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा तो उन्हें बोल दीजिए कि एयरप्लेन मोड पे डाल के एक दो बार निकाल लीजिए, मतलब नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अभी तो लेक्चर हो गया, अभी दूसरे बैच वाले वेटिंग में आ गए हैं, वेटिंग रूम में, ठीक है। ओके सर, चलिए। तो अभी एक काम करिए सभी लोग, एनसीईआरटी बुक करके डाउनलोड मैंडेटरी पढ़ के रहिएगा, ठीक है। ओके, दो होमवर्क है, नोट्स वाइज करना है और एनसीईआरटी पढ़ के आना है, दैट्स इट। एक घंटे का काम दे रहा हूँ ज्यादा ज्यादा। ओके सर, नोट्स रिवाइज करके आना है। ओके सर, बाय सर। हां जी सर, बाय सर, थैंक यू सर। सर वो नोट्स वेबसाइट पे जो वही रिवाइज करना है ना, खराब ही नहीं था मेरा। मैं उसको लेकर भी गया था शोरूम में, उसने लिया नहीं, हालांकि बोला कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, तो वापस आ गया था मैं। आज मैं ट्राई कर रहा था, ऑन नहीं रहा था, फिर मैं क्या किया, चार्ज में ऐसे लगा के छोड़ दिया था, दो तीन घंटे छोड़ दिया, मतलब भूल गया मैं चार्ज लगा के सुबह सुबह। फिर दो घंटे बाद ऑन किया तो ऑन हो गया, मालूम चला कि वो चार्ज ही नहीं था बेसिकली, है ना।
और इतना ज्यादा कभी ने, मतलब कल भी चार्ज किया था 5-10 मिनट बट कल ऑन नहीं हुआ था, आज ऑन हो गया ऊपर वाले कृपा है, तो वो तो वो डाउनलोड जो था लेक्चर मेरा मैं आज आकाश सर को दे दूंगा आज या कल में, तो आकाश सर फोन कर देंगे आप ऑफिस तक ले जाइएगा, ठीक है? चलिए।